हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हट चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1। प्रश्न संख्या 6 है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर और इसका व्यास है 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जमा दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल। तो हम पहले निकालेंगे इस बेलन का क्षेत्रफल और फिर निकालेंगे इन दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई दे रखी है 14 मिलीमीटर। तो इस बेलन की यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी या ऊंचाई बोलें उसको, वो हो जाएगी हमारे पास 14 घटा इसमें से घट जाएगा ये त्रिज्या और ये त्रिज्या 5/2 और 5/2 यानी कि 5, 14 घटा 5 बराबर 9, 9 मिलीमीटर। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई है 14 मिलीमीटर। इसमें से घटाएंगे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। ये त्रिज्या है 2.5 और ये भी है 2.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल जमा दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 2πRh, 2πRh। और दोनों अर्धगोलाकार भागों का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr का वर्ग। दो अर्धगोलाकार हैं तो 2 से कर देंगे गुणा, 2πrh जमा 2 × 2 4πr का वर्ग। बाहर हम कॉमन निकाल लेंगे 2πr, अंदर बचेगा h जमा 2r बराबर 2 × 22/7 r। त्रिज्या त्रिज्या हमारे पास है 5/2, क्योंकि व्यास है 5 तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2। अंदर आएगा h ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई निकाली थी हमने 9, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 9 मिलीमीटर जमा 2r, 2 × r त्रिज्या है 5/2। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, 22/7 × 5 अंदर बचेगा 9 जमा 2 से 2 कटेगा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 × 5 × 9 जमा 5 14, 7 से काट देंगे 22 × 10 220 वर्ग मिलीमीटर। ये हो जाएगा इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल।